नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के विकास में जो देरी है तो उसकी क्या क्या परेशानियां हो सकती है, बच्चों के विकास में जो देरी है वो आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, साथ ही में जो बच्चों के विकास की देरी के जो संकेत है या फिर जो भी संभावनाएं होती है, कॉजेस होती है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बचपन में बच्चों का जो बचपन होता है तो उसमें उनका ग्रोथ और वो डेवलपमेंट का समय रहता है, उस वक्त उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कुछ बच्चे जो है निश्चित अंतराल के अंदर कुछ खास डेवलपमेंट या फिर माइलस्टोन तक नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे बच्चों में विकास में देरी हो जाने के संकेत आपको देखने को मिलते हैं, चाहे ये छोटे पैमाने पर हो या फिर बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों के विकास में अगर देरी होती है, ग्रोथ में अगर कमी देखने को मिलती है तो पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी तुरंत ट्रीटमेंट करनी चाहिए या फिर जो भी उनमें संकेत देखने हैं उन संकेत को पहचानना चाहिए और डॉक्टर को उन बच्चों को दिखाना चाहिए और जो भी मेडिसिन है, जो भी ट्रीटमेंट है वो उन्होंने लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों में कुछ भी डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है, विकास में देरी देखने को मिलती है तो उसके संभावनाएं कॉजेस क्या क्या हो सकती है। तो पहली कॉज हो सकता है डाउन सिंड्रोम, जैसे कि जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं उसके संपर्क में अगर आपका बच्चा आता है तो उस वक्त भी ये डेवलपमेंटल डिले जो है वो हो सकता है। अगर माल न्यूट्रिशन है, यानी कि पौष्टिक खानपान आपके बच्चों में अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, पौष्टिक खानपान की कमी है तो उसके वजह से भी आपके बच्चों में विकास में देरी देखने को मिल सकती है। रिकरेंट इन्फेक्शन यानी कि लगातार होने वाला इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी आपके बच्चों का माइलस्टोन जो है वो स्लो रह सकता है। साफ सफाई और देखभाल की कमी है या फिर आपका बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है तो उस वक्त भी आपको डेवलपमेंटल डिले जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो डेवलपमेंटल डिले है वो बढ़ता है तो उस वक्त आपको कौन से संकेत देखने को मिल सकते हैं तो उसको आपको ध्यान में देना है, उस संकेतों को आपको देखना है और आपको पहचानना है कि आपके बच्चों में होने वाला जो विकास है वो सही है या फिर देर से है। तो पेरेंट्स को पहचानने के लिए कुछ शब्द या फिर हाव भाव जैसे संकेत जो है वो देखने चाहिए। दोस्तों और देखभाल करने वाली जो लोग है उनके प्रति उनको लगाव होना चाहिए, झुक के बिना बैठने में वो सक्षम होने चाहिए या फिर बिना मदद की सीढ़ियां उन्होंने चढ़नी चाहिए या फिर पेंसिल या फिर क्रेयॉन या फिर स्केच पेन जो भी है उससे उन्होंने घिसना चाहिए या फिर चम्मच कांटे या फिर टूथब्रश जो भी रोज की चीजें हैं उनका इस्तेमाल उन्होंने जानना जरूरी होता है। छोटे पैमाने पे सही लेकिन उनको जानना जरूरी होता है। बेसिक शब्द को समझना और उन पर प्रतिक्रिया देना उनमें भी ये जो है वो बच्चों में ये जरूर होना चाहिए, ये प्रतिक्रिया जो है वो होनी चाहिए। साथ ही में चेहरे पर हाव भाव और आवाजों के द्वारा जो भी खुशी है, गुस्सा है या फिर प्रसन्नता है, झुंझलाहट है जैसे विभिन्न भावनाओं को उन्होंने व्यक्त करना चाहिए। अगर ये संकेत आपके बच्चों में बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो उनके माइलस्टोन और उनकी जो विकास की जो भी क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। अगर ये जो सारी मैंने अभी उनके माइलस्टोन बताए वो अगर कम है तो आपके बच्चों में डेवलपमेंटल डिले जो है वो हो सकता है। तो ये डेवलपमेंटल डिले किस रूप में हो सकता है? अगर आपके बच्चों में जो विकास की देरी है वो दूसरे बच्चों से कम है
या फिर देखने की क्षमता में देरी है, या फिर भाषा और बोलचाल में देरी है, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल जो है उसमें देरी है, सामाजिक और भावनात्मक जो विकास होते हैं उनमें देरी है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देरी है, तो उस वक्त आपके बच्चों में डेवलपमेंटल डीले है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल डीले अगर आपके बच्चों में होता है तो उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो पहली और टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है डेवलपमेंटल डीले के लिए, विकास की जो देरी है उसके लिए, वो है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन जो है अगर आपके बच्चों में इस्तेमाल की जाती है डेवलपमेंटल डीले के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलती है। साथ ही में ये मेडिसिन स्पेशल ऐसे बच्चों में दी जाती है जो फ्लैबी होते हैं, फेयर होते हैं और फैटी बहुत ज्यादा होते हैं, मोटे होते हैं, तो वैसे बच्चों में ये मेडिसिन जो है ये दी जाती है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये ऐसे बच्चों में दी जाती है जिनका हेड जो है, सिर जो है वो बहुत बड़ा है, उनका पेट जो है वो भी बहुत बड़ा है और उनके हाथ पैर जो है वो छोटे रहते हैं, और साथ ही में बच्चे जो है वो बोलने में देरी से बोलने लगते हैं, या फिर बोलते ही नहीं है, या फिर उनका डेंटिशन जो है, दांत आने की जो प्रोसेस है वो भी स्लो है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। साथ ही में उनको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली जब सोते हैं तो उनके सिर पर, नेक पर और चेस्ट पर, गर्दन पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो वैसे पेशेंट में ये कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो भी टॉप रेटेड मेडिसिन है, वो है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस मेडिसिन जो है ये अगर आप बच्चों में देते हैं जिनमें भी डेवलपमेंटल डीले है तो उनमें एक्सट्रीमली ये मेडिसिन यूजफुल होती है, उनमें जो भी प्रोसेस स्लो होती है तो वो अगर ये मेडिसिन अगर आप देते हैं तो जो भी डीले होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाते हैं उनके माइलस्टोन, और उनकी जो भी ग्रोथ है वो अच्छे से और रैपिडली होती है। अगर कोई पेशेंट से उनकी फिजिकल ग्रोथ कम है या फिर मेंटल ग्रोथ कम है तो उनमें भी ये पेशेंट उन पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन जो है वो दी जाती है। ये मेडिसिन स्पेशली जो पेशेंट्स थीन रहते हैं, बच्चे जो है वो थीन रहते हैं, उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, वो बोलने में या फिर चलने में बहुत स्लो है, उनके दांत भी बहुत लेट आते हैं और उनका स्कल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और थिन और ब्रिटल रहता है, तो वैसे पेशेंट्स में ये कैल्केरिया फॉस मेडिसिन हम देते हैं। साथ ही में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका बहुत वीक रहता है, उनको हमेशा डाइजेशन की तकलीफ होती रहती है, गैसेस भी बहुत ज्यादा बनते हैं और उनको कभी कभी डायरिया जैसी तकलीफें भी होती है, वॉटरी और ग्रीनिश स्टूल रहते हैं, मल रहता है, तो उस वक्त कैल्केरिया फॉस ये जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बराटा कार्ब। ये जो मेडिसिन है अगर आपका बच्चा डॉर्फिज्म जैसी परेशानियों से जूझ रहा है तो उसमें ये मेडिसिन जो है बराटा कार्ब हम देते हैं। मेंटली और फिजिकली बच्चा जो है वो वीक है और साथ ही में उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है, जैसे कि बात करना या फिर चलना, वो भी स्लो है, और जो भी स्ट्रेंजर्स आते हैं यानी कि नए लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो घबरा जाता है, तो वैसे पेशेंट्स में ये बराटा कार्ब मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। अगर आपके बच्चों का माइलस्टोन सही था लेकिन वैक्सीन देने के बाद या फिर कुछ लग जाने के बाद या फिर ट्रॉमा होने के बाद उनका माइलस्टोन स्लो हो गया है तो उसके साइड इफेक्ट के लिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के लिए बराटा कार्ब मेडिसिन बहुत ही अच्छे से हम दे सकते हैं। साथ ही में उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसका स्मेल भी आता है और मेनली पैरों पर पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। और ये जो बराटा कार्ब के पेशेंट्स है उनमें टॉन्सिलाइटिस जो है वो रिकरेंट होता है, मतलब टॉन्सिल की तकलीफें जो है वो हमेशा होती रहती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ट्यूबरक्यूलिनम। ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है जिनमें इम्यूनिटी जो है, प्रतिकार शक्ति जो है वो बहुत कम होती है और ऑटिज्म जैसी बीमारियों से आपका बच्चा जो है वो जूझ रहा है, तो उस वक्त ये ट्यूबरक्यूलिनम मेडिसिन जो है वो देते हैं। बच्चा जो है वो देखने में बहुत वीक और इमैच्योरेटेड और थीन रहता है, यानी कि फिजिकली बहुत ही वीक ये पेशेंट जो है वो रहते हैं, और बात करने में वो बहुत ही लेट बात करता है, उसके माइलस्टोन जो है वो लेट रहते हैं, और ठंडी के मौसम में उसको तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलती है, साथ ही में थ्रोट पेन और जुकाम की जो तकलीफें हैं वो हमेशा होती रहती है सर्दी के मौसम में, और पसीना बहुत ज्यादा आता है स्पेशली रात के वक्त, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्यूबरक्यूलिनम मेडिसिन जो है ये आइडियल मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन मेडिसिन जहां पर बच्चों की ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है या फिर रुक गई है तो उस वक्त कार्सिनोसिन मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। जहां पर इम्यूनिटी बच्चों की बहुत कम है और उनको हमेशा इन्फेक्शन होते रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, तो उस वक्त ये कार्सिनोसिन मेडिसिन जो है ये हम देते हैं।
ये जो मेडिसिन है ये ऐसे बच्चों में दी जाती है जो स्पेशली पेट पर सोना पसंद करते हैं, उन पेशेंट्स में कार्सिनोसिन मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। और ऑटिस्टिक डिसीजेस जिन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जो बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव रहते हैं और रेस्टलेस रहते हैं, उनका बिहेवियर बहुत रेस्टलेस रहता है, वो एक जगह पर कभी रुकते ही नहीं है, एक जगह पर रुक कर वो कभी खेलते ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये जो मेडिसिन है ये कार्सिनोसिन हम देते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये जो मेडिसिन है सिलिशिया, ये हम डेवलपमेंटल डिले के लिए बच्चों में दी जाती है। सिलिशिया मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है डेवलपमेंटल डिले के लिए, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे बच्चों में जिनका हेड जो है, सिर जो है वो बहुत बड़ा है और पैर जो है वो बहुत ज्यादा थीन है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। उनका पेट भी डिस्टेंडेड रहता है हमेशा, और चलने में और बात करने की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें ये बच्चे जो है वो हमेशा स्लो रहते हैं, और इन्फेस्टेशन वर्म का जो इन्फेक्शन है वो हमेशा उनको होता रहता है रिकरेंट, तो सिलिशिया मेडिसिन जो है ये हम उन बच्चों में देते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन अभी मैंने बताई, ये हम 230 या फिर 1 एम्पोटेंसी में बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंटल डिले के लिए। अगर आपके ओपीडी में, आपके क्लिनिक पे कोई बच्चे आते हैं और उनमें ये जो मेडिसिन मैंने बताए उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो उनके सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर आप इसमें से एक कौन सी भी मेडिसिन चूज कर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो जो है ये ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनमें उनके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है, उनके माइलस्टोन जो है वो स्लो है, तो डेवलपमेंटल डिले के लिए ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो उनके लिए यूजफुल है, और वीडियो भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स में शेयर कीजिए ताकि उनके बच्चों की जो भी ग्रोथ है वो फास्ट हो सके। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।